हिमाचल प्रदेश पुलिस के पूर्व पुलिस महानिदेशक आईडी भंडारी ने 246 पन्नों की किताब मिडनाइट रेड लिखी है। पंजाब के पूर्व पुलिस महानिदेशक राजेंद्र सिंह बिलासपुर में विमोचन किया। इस दौरान उन्होंने अपने विचार रखते हुए कहा कि आईडी भंडारी ने बहुत संघर्ष किया है, जिसके कारण वे पुलिस महानिदेशक के उच्च पद पर आसीन हुए थे, मगर राजनीतिक हस्तक्षेप के कारण उन्हें परेशानियां झेलनी पड़ी, जिनका उन्होंने डटकर आत्मविश्वास पूर्वक मुकाबला किया। हिमाचल प्रदेश पुलिस के पूर्व पुलिस महानिदेशक आईजी भंडारी ने 246 पन्नों की किताब मिडनाइट रेड लिखी है। पंजाब के पूर्व पुलिस महानिदेशक राजेंद्र सिंह बिलासपुर ने इसका विमोचन किया। इस दौरान उन्होंने अपने विचार रखते हुए कहा कि आईडी भंडारी ने बहुत संघर्ष किया है, जिस कारण वह पुलिस महानिदेशक के उच्च पद पर आसीन हुए थे, मगर राजनीतिक हस्तक्षेप के कारण उन्हें परेशानियां झेलनी पड़ी, जिनका उन्होंने डटकर आत्मविश्वास पूर्वक मुकाबला किया है। ये उनकी ईमानदारी व स्वच्छ छवि का प्रमाण है कि राजनीतिक हस्तक्षेप व दबाव के चलते भी वह बेदाग बच निकले हैं। वहीं दूसरी ओर इस किताब को लेकर आईडी भंडारी का कहना है कि पुलिस अधिकारियों के लिए सेवा काल के दौरान अपने कर्तव्य निर्वहन के लिए प्रेरणा स्रोत के रूप में ये किताब उपयोगी सिद्ध होगी। उन्होंने कहा कि अपने जीवन वृत्त से जुड़ी घटनाओं को मद्देनजर रखते हुए आईजी भंडारी ने अपनी किताब में राजनेताओं के द्वारा विरोधी दलों से अपना बदला लेने के दौरान अधिकारियों को बलि का बकरा बनाने का सारा वर्णन इस किताब में किया है। गौरतलब है कि आईडी भंडारी फोन रिकॉर्डिंग के मामले में तत्कालीन मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने वर्ष 2013 में पुलिस महानिदेशक के पद से हटाया था। उस दौरान आईजी भंडारी पर भी फोन टैपिंग का मामला दर्ज हुआ था, मगर इस बारे में आईडी भंडारी का कहना है कि उन पर दायर मामले में वे न्यायालय में बाइज्जत बरी हुए थे। उन्होंने बताया कि पुलिस के सीआईडी विंग को टेलीग्राफ एक्ट 1885 के तहत टेलीफोन को रिकॉर्ड करने का अधिकार है, मगर उससे पहले सरकार से अनुमति ली जाती है। पुलिस उस स्थिति में टेलीफोन रिकॉर्ड करती है जब कोई मामला असामाजिक तत्वों व देश सुरक्षा से जुड़ा हो। उन्होंने कहा कि उनके साथ राजनीतिक तौर पर जो भी घटनाक्रम हुआ था, उसमें ऐसी कोई भी घटना घटित नहीं होती कि उन पर मामला बनता, मगर कुछ भी नहीं होने के चलते भी बदले की भावना से सब कुछ राजनीतिक इशारे पर हुआ था, जिसमें कि सरकारी धन व मशीनरी का जमकर दुरुपयोग हुआ था। तो ये जो सारे एलिमेंट्स हैं, इनको कंट्रोल करने के लिए हिमाचल पुलिस सीआईडी ने पिछले 10 सालों से टेलीफोन इंटरसेप्शन विंग है, और ये कोई नई बात नहीं है। ये विंग सारी कंट्रीज में, हमारे देश में, सेंट्रल लेवल पे और स्टेट लेवल पे हर जगह है, परंतु हिमाचल में आई डोंट नो क्या बात हुई, इतनी इनसिक्योरिटी सिस्टम में हो गई कि उन्होंने इसको एक इलेक्शन इशू बनाना शुरू कर दिया कि हिमाचल में इलीगल फोन टैपिंग हो रही है। मैं आपको यह चीज बताना चाहता हूं कि इलीगल शब्द पुलिस के लिए बहुत ही दुखदायी होता है, और मैं नहीं समझता कि सीआईडी का इदारा इतने बड़े लेवल पे आकर कोई इलीगल काम करेगा। और जब यह बात प्रदेश का होने वाला गवर्नमेंट या मुख्यमंत्री करे तो और भी असाधारण सा लगता है, परंतु मैंने समझा कि इलेक्शन रेटरिक है, इलेक्शन के टाइम इस तरह की बातें होती हैं। बट अनफॉर्चुनेटली जिस दिन इलेक्शन का रिजल्ट आया, उसके बाद जब नई गवर्नमेंट बनी तो हमारे डीआईजी ने कोई सीडी सीआईडी ऑफिस में किसी को कहा कि इसको फेंक दो, इसकी जरूरत नहीं है, या इसको क्रश कर दो। ये बात होने वाले भावी मुख्यमंत्री को पहुंची, उनके माइंड में पता नहीं क्या संदेह था। उन्होंने चीफ सेक्रेटरी से बात की, मेरे से तो बात नहीं की, क्योंकि उस वक्त सीआईडी भी मेरे पास थी। रात के 11 बजे, तभी तो इस बुक का नाम है मिडनाइट रेड, दिस इज मिडनाइट रेड ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ सीआईडी। 11 बजे मेरे को फोन आता है कि सीएम साहब कह रहे हैं कि यहाँ कोई सीढ़ी तोड़ी जा रही है, तो मुझे तो समझ नहीं आया कॉन्टेक्स्ट कि सीढ़ी कैसे तोड़ी जा रही है। बल्कि सीढ़ी का जो केस है वो तो कोर्ट में लगा हुआ है, सीआईडी में सीढ़ी तोड़ने का कोई मतलब नहीं है। परंतु इतने में कुछ ऑफिसर्स उस कमरे में पहुंचे। हमारे जो इंस्टीट्यूशन हैं, हमारे जो इदारे हैं, वो इतने स्ट्रांग नहीं है। चाहिए तो ये था कि जो स्ट्रॉन्ग रूम की सुरक्षा कर रहे थे अधिकारी, उनको इस तरह के लोगों की, चाहे वो कोई भी होते, जिनको आने अंदर आने की इजाजत नहीं है, उनको अंदर आना नहीं चाहिए था। अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, आइए मिलते हैं ब्रेक के बाद।